वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा फॉर लूप का कंसेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है। आज हम बात करेंगे क्या फॉर लूप का कंसेप्ट। ठीक है, तो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो लूप से तो पहले ही आपको पता है कि जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो तो वहां पर हम लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का मतलब हम एक कंडीशन के तहत जब मल्टीपल टाइम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर लूप। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इजी है, डिबग के लिए भी आसान है, इसलिए इसको ज्यादा यूज में लाया जाता है। फिलहाल हम समझते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फॉर लूप के लिए फॉर लिखा जाता है, फिर उसके बाद यहां पर इनिशियलाइजेशन किया जाता है, इनिशियलाइजेशन किया गया, ठीक है, सेमी कॉलन से यहां पर टर्मिनेट किया जाता है इनिशियलाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद यहां पर टेस्ट कंडीशन लगाया जाता है। क्या लिखा जाता है, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, टेस्ट कंडीशन को भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, या इसे टर्मिनेट कंडीशन भी बोला जाता है, या इसे कंट्रोल कंडीशन भी बोला जाता है। और इसके बाद इसे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया जाता है, और फिर कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया जाता। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग कर ली लगा देते हैं। यहां पर हम स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं। ओके, क्लियर है? तो क्या किया हमने, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, टेस्ट कंडीशन किया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, और उसके लूप के इनसाइड स्टेटमेंट को लिख दिया। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई होगा इस पर भी बात कर देते हैं। सबसे पहला फेज होगा, जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा क्या, इनिशियलाइजेशन। क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस वेरिएबल के अनुसार आप लूप को चला रहे हैं उसकी उसको पहली वैल्यू यहां से मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन का मतलब यह है कि लूप स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है ये लास्ट पॉइंट है। क्या है, लास्ट पॉइंट है, मतलब लूप कहां से कहां तक चलेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट हो गया। टेस्ट कंडीशन में हम वहां तक बताते हैं जहां तक लूप हमें चलाना होता है। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब यह हुआ कि यह मूव होगा दो तरीके से, या तो फॉरवर्ड और या तो बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब इंक्रीमेंट और बैकवर्ड का मतलब क्या, डिक्रीमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो एक लूप चलाना है, लूप इन द सेंस कैसे, मैंने बताया कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, और यहां से हमें लूप चलाते हुए और हर बार कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये सपोज करिए स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां तक हर स्टेटमेंट के पास यहां तक पहुंचे, फिर स्टेटमेंट प्रिंट किया, फिर यहां पहुंचे, तो ये जो है ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। INIT इनिशियलाइजेशन लिख देता हूं। ये जो कहलाएगा वो टेस्ट कंडीशन कहलाएगा, यानी लास्ट तक हम पहुंच गए, टेस्ट कंडीशन। और ये जो स्टेप है ये कहलाएंगे क्या, इंक्रीमेंट, या फिर अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो डिक्रीमेंट। ठीक है, बात समझ में आया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, टेस्ट कंडीशन और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब इसको एक उसमें कोड में लिख के देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं यहां पे कोड लिख देता हूं इसका। लिखा गया फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड लगाया। सपोज करिए हमने कोई इंटीजर आई वेरिएबल लिया है, इसको हम आई को इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद इसको कहां तक ले जाना है, लेस देन आर इक्वल टू 10 तक कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया, यानी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, वैल्यू 10 तक जाएगी और हर बार एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लूप कहलाएगा और इसके अंदर फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो सिंटेक्स है वो लूप फॉर लूप का कैसा होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें कि फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट मैं यहां पे अभी बना देता हूं। फ्लो चार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन वन टाइम होता है, तो इनिशियलाइजेशन को भले ही आप मेंशन ना करिए, आप सीधे कंडीशन पे चलिए, क्योंकि लूप कहां तक जाना है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप यहां पर इनिशियलाइजेशन बता सकते हैं, INIT इनिशियलाइजेशन बता दिया। फिर यहां पे कंडीशन टेस्ट किया, जैसा कि सिंटेक्स में दिख रहा है, इनिशियलाइजेशन के बाद टेस्ट कंडीशन, तो टेस्ट कंडीशन किया। ठीक है, अब कंडीशन अगर ट्रू होती है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो लूप हमारा आ जाएगा इनसाइड द बॉडी। तो कंडीशन ट्रू हुई तो यानी हमारे स्टेटमेंट एक कोई जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जब प्रिंट होता है तो इसके बाद लूप अगेन जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास कि भाई अब हमें क्या करना है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, उस वैल्यू को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज करके
अगेन बोलेगा कि आप टेस्ट करो कंडीशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहां जाता है, मैंने बताया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास जाता है, ठीक है। फिर कहां जाएगा, अगेन बोलेगा अब टेस्ट करो कंडीशन, तो ये जाएगा फिर से वापस और जाएगा बोलेगा भाई ये टेस्ट करो कंडीशन, कंडीशन को टेस्ट किया, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चीज चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ यानी आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 से 11 हो गई तो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम आ जाएंगे यहां पर और इसको बोलते हैं आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि लूप जो है उसका फ्लो चार्ट कैसा डिजाइन होता है, उसका सिंटेक्स कैसा डिजाइन होता है और उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात यह कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि जो चीजें अभी हमने सीखी हैं उसका प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, आइए एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी वर्ड को 10 times या 100 times प्रिंट करेंगे। सपोज करिए हेलो को प्रिंट करना है तो कैसे उसका प्रोग्राम बनाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल आप अटैच कर लीजिएगा, हेडर फाइल मैं अटैच नहीं कर रहा हूं, बट डोंट वरी मैं प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट दूंगा, उसमें सारी चीजें रहेंगी। फिलहाल वर्ड मेन से समझते हैं, वर्ड मेन लिखा, इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, इंटीजर आई ले लिया जैसा अभी हमने लूप चलाया था, बड़ा सिंपल है, अभी जो किया था उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर आई को 0 से स्टार्ट किया, आई को लेस देन आर इक्वल टू 10 तक ले गए और आई को कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पर हम इसमें क्या कर देते हैं, प्रिंट एफ में प्रिंट कर देते हैं हेलो, क्या प्रिंट कर देते हैं हेलो, और इसको क्लोज कर दिया और मेन को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर कि लूप आएगा यहां से, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो गई, ओके। लूप जाएगा सबसे पहले कहां, कंडीशन के पास, कंडीशन टेस्ट किया, कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन टेस्ट होकर के कहां आएगा, करेक्ट है। जैसे ही कंडीशन टेस्ट होती है, करेक्ट होती है तो ट्रू इनसाइड आ जाता है, अगर कंडीशन करेक्ट है तो इनसाइड आ गया, इनसाइड में ये प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद अगेन ये जाएगा किसके पास, इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट क्या करेगा, आई की वैल्यू को 0 से कर देगा कितना, 1। 1 करने के बाद फिर से कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन 1 इज लेस देन 10, करेक्ट है, करेक्ट है, ट्रू है, तो यहां पे आ जाएगा और हेलो फिर से प्रिंट हो जाएगा और फिर से यहां से जाएगा, इस बार आई की वैल्यू अपडेट होकर के हो जाएगी 2, फिर चेक होगा और अब तक कब तक चेक होगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 होने के बाद जब यहां से वापस जाएगी 11 होने पर तो यहां पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही होगी फॉल्स तो हमारा लूप आ जाएगा कहां, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह लूप जो है ऑपरेट होता है, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम होता है लेकिन इंक्रीमेंट और ये कंडीशन ये बार बार होते हैं। इंक्रीमेंट को एक और चीज कहा जाता है, वो कह देते हैं वैल्यू अपडेटर, तो ये भी समझिएगा कि बार बार वैल्यू को अपडेट करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वैल्यू अपडेटर। तो ये एक बार 0 के लिए प्रिंट होगा और 10 times क्योंकि लेस देन आर इक्वल लगा हुआ है, इसलिए 10 times आई की वैल्यू के लिए प्लस प्लस होकर के हेलो प्रिंट होगा, यानी टोटल 11 times यहां पर हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था क्या फॉर लूप का सिंपल यूज। ठीक है, आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि फॉर लूप को कैसे और तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये काम करेंगे कि यूजर से एक वैल्यू मांगेंगे और उसकी टेबल प्रिंट करके यूजर को देंगे, ठीक है। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर से void main से लिख रहा हूं, मैंने लिखा क्या void main, ठीक है, और यहां पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर i लूप के लिए और एक ले लिया यूजर से वैल्यू मांगने के लिए, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू मांग लेते हैं printf में, printf में बोला enter a number, ठीक है, और scanf में क्या किया, इस नंबर को इंटर करा लिया, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब जो है ए में वैल्यू आ गई, ए में वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, सपोज करिए ए में 5 आई है तो हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हम करते जाएंगे और हमें एक टेबल मिल जाएगी। तो वैल्यू कौन सी बढ़ रही है, कौन सी, देखिएगा 5 तो कॉन्स्टेंट है, 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, ये वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ती किसके लूप में, जो जिसमें प्लस प्लस लगा होता है, और आई में प्लस प्लस लगा होता है, इसलिए हम ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं, ये हमने फॉर लूप लगाया, आई को स्टार्ट किया, इस बार 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम 0 नहीं रखेंगे, और आई को ले जाएंगे 10 तक क्योंकि 10 तक में टेबल कंप्लीट हो जाती है, तो 10 तक ले जाएंगे और आई को बार बार करेंगे क्या,
प्लस प्लस, ठीक है। फिर इनसाइड आएंगे और प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ डी, और यहां पर लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। और इसको क्लोज करके गेट सेज लगा दीजिएगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे समझिएगा, आई की वैल्यू 1 है, यूजर ने ए की वैल्यू सपोज करिए 5 दे दी, तो क्या होगा यहां पर आएंगे, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 10 है और 10 जो है 1 से ग्रेटर है, तो यानी एक कंडीशन ट्रू है, तो यहां पे आएंगे और 5 × 5 यानी 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो यहां पर अगर टेबल ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर न्यू लाइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा, कर्सर यहां पे आ गया और आई की वैल्यू यहां से जाएगी अगेन, जैसा मैंने बताया था आई की वैल्यू यहां से जाएगी अगेन, अपडेट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन आर इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। 2 10 से छोटा है तो अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो फिर से 5 की वैल्यू तो फिक्स है, 5 × 2 दैट मीन्स 10, अगेन कर्सर नीचे आ जाएगा और इस तरह तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 चलती है, और जैसे ही 10 हो जाएगा ये 50 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो ये कंट्रोल है ये इस लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने बताया था वो भी समझ में आया होगा, फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, फॉर लूप में जो और भी कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल जो अभी चीजें हमने बताई है इसके मैं आप प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, तो इनको देख लीजिए, समझ लीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ओके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।